ये प्रॉन है, इसको धो के इसको हल्दी और नमक और लाल मिर्च डाल के इसको भून दी। अब इसमें इसको मसाला बनाना है। इसमें थोड़ा सा ये सरसों तेल डालें और इसमें प्याज डाले हैं एक पीस बड़ा वाला। अब इसको थोड़ा सा इसको ब्राउन होने देंगे। अब इसमें लहसुन अदरक और जीरा और प्याज का पेस्ट है। अब इसको अभी चला रहे हैं थोड़ा सा, ये ब्राउन मसाला है। इसको थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद इसमें मसाला डालेंगे। हल्का सा लाल होना चाहिए, हल्का सा, ज्यादा नहीं। इसमें सभी मसाले मिले हुए हैं, अदरक लहसुन प्याज जीरा। टेस्ट के अनुसार आपको ज़्यादा मसाला चाहिए तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम चाहिए तो कम भी दे सकते हैं। हल्दी एक चम्मच, दो चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर दो चम्मच, स्वाद अनुसार आप नमक डालिए। थोड़ा आप धीमा कर देते हैं ताकि प्याज और मसाला जले नहीं। ये हल्का सा पानी डालेंगे थोड़ा, हल्का सा पानी डालेंगे। एक टमाटर की प्यूरी बना कर डालेंगे। अभी थोड़ा इसको पकने दिए हैं, फिर उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। अब इसमें टमाटर प्यूरी इसको पीस लिए हैं, एक टमाटर इसमें मिला दें। चलाएंगे
तेल इसमें छोड़ना शुरू हो जाएगा, फिर इसको प्रॉन को डाल देंगे। आप इसको स्टोव भी रख सकते हैं, इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा से होता है, आप जैसे खाएं इसको। मेरा मसाला तैयार हो गया। बस हल्का हल्का दिख रहा है, तेल आ रहा है। अब इसमें हम प्रॉन डाल देंगे ताकि ये ग्रेवी में इसका पूरा टेस्ट आ जाए। ये बिल्कुल इंडियन डिश है। इसको अब थोड़ा सा ढक देंगे ताकि ये अच्छा से मिल जाए, तो आराम से तेल छोड़ दें। देखिए कितना अच्छा सा तेल छोड़ रहा है, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, सी करते हैं आप। बीच बीच में इसको उठा के देख भी सकते हैं, तेल देखिए पूरा छोड़ रहा है। हम इसको ज़्यादा गीला नहीं बनाएंगे, स्लो ही बनाएंगे। इसको बनाने में टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्द बन जाता है। ये पूरा तेल आ गया, टमाटर भी पूरा मिल गया है। कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। थोड़ा देर के लिए आज तेज कर दिए हैं। बस आधा कप पानी डालेंगे, इसको सीधे पूरा वो पूरा सीख जाएगा और कलर भी अच्छा आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीजने में। बीच बीच में देख लीजिए, देखिए कलर मेरा प्रॉन कंप्लीट तैयार हो गया। अब इसको आप खाने के लिए रेडी होंगे। आप इसमें गार्निश करने के लिए धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, एकदम खाने के लिए रेडी है। आप इसको राइस के साथ खाइए या आप इसको रोटी के साथ खाइए, दोनों में बहुत टेस्टी लगेगा।